अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफ व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ सैफ और शुरू करते हैं जी अपना आज का व्लॉग। और मेरे साथ हैं अजीत भाई। आज हम आए पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ढाबे की दाल बहुत मशहूर है, इनकी किसी ढाबे की, वो टेस्ट करते हैं। और ये सब क्या ख्याल है, स्टार्ट करें फिर? हाँ जी, अभी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि अच्छी जगह है, आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, दाल का इनका अच्छा टेस्ट होगा। दाल का पता नहीं लेकिन जगह अच्छी लगी अजीत साहब, हर जगह सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी कल ज़्यादा थी लेकिन आज बेहतर है। अच्छा, इसका मैं बता दूँ कि इसका पीसी है वो पल कॉन्टीनेंटल वाला पीसी नहीं है, इसका है प्रोफेसर कॉलोनी ढाबा। ये तकरीबन 20 साल पुराना है। पहले ये था, अगर आप शेख जैद से आ रहे हो तो राइट साइड पर जो पहला गेट है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर था, वहाँ पर प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ पर ये था पहले। वहाँ पर काफ़ी छोटा था, ये सिटिंग वगैरह भी नहीं थी। अब इन्होंने इस साइड पर शिफ्ट कर दिया और सिटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत स्पेशियस हो गई है। और ये सामने पीसी ढाबा में बैक साइड पे, और दूसरी साइड पे स्कैन है, स्कैन की बिल्डिंग है, दरमियान में सिर्फ दीवार है और उसके बाद दूसरी साइड पे स्कैन है और इधर यूनिवर्सिटी का एरिया। तो जी साहब चलते हैं, और ये साथ दूसरे एक तो पीसी ढाबा है और साथ जूस कॉर्नर भी है, और शाम के टाइम बाद भी क्यों भी होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है। अभी इस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा है, तो चलें शुरू करते हैं जी। जलपरी बने दाल है, मिक्स दाल है, बिल्कुल फ्रेश है।
ये भी ट्राई करना भी चेक तीन वाला कोट अच्छा जी, हमने खाना वगैरह खा लिया और हमने मंगवाई थी दाल और साथ में चिकन कोरमा। सब कैसा लगा है आपको खाना? दाल इतनी अच्छी है, मतलब डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल आपको होम मेड जो दाल होती है उसका, दो तीन दाल उन्होंने मैच की थी। हाँ, दाल का डिफरेंट कोरमा का है, नॉर्मल एक वाला कोरमा होता है, लेकिन दाल ज़्यादा होता है, लेकिन दाल इतनी ज़्यादा। और सर रायता बहुत अच्छा था, पीने की चटनी भी अच्छी थी, रोटी भी बड़ी अच्छी है इनकी, गरम गरम लग के आती है। और दूसरा मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि नॉमिनल है, इसकी प्राइस बड़ी अच्छी, प्राइस तो एवरेज है क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से प्राइस नहीं मिलती है। अच्छा, हम आज यहाँ पे आए हैं तकरीबन 2 बजे, दोपहर का टाइम है, पीक टाइम है, खाते हुए मेरी आवाज़ अगर आपको सही ना आए तो उसको आप देखें। और सब क्या ख्याल है, वापस चले या यूनिवर्सिटी का भी एक चक्कर लगाते हैं? फिलहाल एस टी सी जब मार्केट तक एक चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फैमिलीज के लिए अरेंजमेंट है, अगर आपने फैमिली वगैरह के साथ आना है, फिर अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आप आ सकते हैं, वरना फैमिलीज के लिए सेपरेट पोर्शन है। तो निकलते हैं अभी, आप यूनिवर्सिटी वाली साइड पर जाते हैं। ओके, अभी क्लोज नहीं कर रहे थे, अभी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी हम आए हैं एस टी सी मार्केट में और इसका स्टूडेंट टीचर कॉलोनी मार्केट, यहाँ पे हॉस्टल बिल्कुल साथ हैं, बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी। और अभी सब थोड़े इधर भी देख लें, आप आस पास ही देखे जा रहे हैं। जी मैं इधर ही देख रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा, यहाँ पे मुझे याद है जब हम स्टूडेंट में होते जाते थे तो यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी एक शॉप की, लेकिन अभी क्योंकि सर्दियों में होती है, गर्मियों में उतनी कॉफ़ी है नहीं। तो अभी सब आपको अपना स्टूडेंट टाइम तो नहीं याद आ गया? मुझे तो बड़े अच्छे से याद आ रहे हैं, और मुझे बल्कि मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ कि वो टाइम दोबारा, क्या अभी काश अब मेरी एज में होते तो अब दोबारा आए होते। नहीं, मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ, मैं कौन सा लियाकत अली खान के साथ पढ़ रहा हूँ, इतना पुराना नहीं हूँ, वो देख के लग जाता। अच्छा तो चले अजीज साहब, मेरा ख्याल है निकलने काफ़ी देर होगी। हाँ अच्छा है, आज इंजॉय किया, आज काफ़ी इंजॉय किया। अभी हमारा प्लान था यूनिवर्सिटी साइड पर भी जाना, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई, तो मेरा ख्याल है फ़ायदा कोई नहीं वहाँ पर जाने का, तो निकलते हैं आप। अच्छा जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, तो अल्लाह हाफिज़।